बिहार सरकार में नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर आया है। बताते चले कि बीएसएससी ने राजभर में एस्ट्रोनोग्राफर के पदों पर जो है बहाली निकालने को लेकर कहीं ना कहीं आवेदन मंगवाए हैं, तो वहीं आवेदन मांगे हैं। बता दें आपको कि जो उम्मीदवार इस पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसको देखते हुए वे आवेदन करना चाह रहे हैं, तो वो जाकर आवेदन कर सकते हैं। वे बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि bssc.bihar.government.in पर अप्लाई जाकर कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी की ओर से 232 पदों पर जो है कहीं ना कहीं बहाली होनी है, और इसको देखते हुए बता दें आपको कि 225 एस्ट्रोनोग्राफर के लिए पद है, तो वहीं 7 एस्ट्रोनोग्राफर जो है कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्टर के लिए है। बताते चले कि इन पदों के लिए आयोग द्वारा ऑब्जेक्टिव मोड में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन 14 जून तक जमा कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुरुआती तिथि है वो 15 मई से है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बताते चले कि एस्ट्रोनोग्राफर को लेकर जो है बहाली होने वाली, और इसको लेकर बिहार सरकार ने आवेदन मांगे हैं। बीएसएससी को देखते हुए कहीं ना कहीं आवेदन मांगा गया है, तो वहीं 225 पदों पर एस्ट्रोनोग्राफर की भर्ती होनी है, तो वहीं 7 पद जो है कहीं ना कहीं एस्ट्रोनोग्राफर इंस्ट्रक्टर के हैं। तो वहीं देखा जाए तो कुल 232 पदों पर बहाली होनी है। शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपको हम बता रहे हैं। एस्ट्रोनोग्राफर जो है कहीं ना कहीं 12वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं किसी मान्यता जो है प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास होना होगा, तो वहीं एस्ट्रोनोग्राफर इंस्ट्रक्टर को देखते हुए 2 साल का आईटीआई और डिप्लोमा प्लस एस्ट्रोनो एनसीवीटी का जो है कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लाना होगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष दी गई है, तो वहीं श्रेणी अधिकतम आयु जो है यूआर पुरुष का जो है कहीं ना कहीं दिया गया है 37 वर्ष, तो वहीं यूआर महिला का जो है 40 वर्ष बताया गया है। तो वहीं बता दें आपको कि बीसी पुरुष महिला का 40 वर्ष है, तो वहीं एससी पुरुष महिला का कहीं ना कहीं 42 वर्ष तक दिया गया है। बता दें आपको कि तरीके से अप्लाई करना है, उसको देखते हुए बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं एसएससी में नौकरी पाने का एक बढ़िया अवसर प्राप्त हो रहा है अभ्यर्थियों को। जो अभ्यर्थी जो बेरोजगार है उनके लिए अच्छी खबर है, वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं बहाली प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द की जाएगी, 15 मई से आवेदन लेना शुरू हो गया है, तो वहीं अभ्यर्थी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लें, वीडियो यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।